नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बहुत ही बेहतरीन प्लान के विषय में चर्चा करने वाले हैं। एक बेहतरीन सा मॉडल हमारे एक सब्सक्राइबर थे, वो हमें कांटेक्ट कर रहे थे। उन्होंने हमें कांटेक्ट किया व्हाट्सएप पर और उन्होंने हमारी पेड सर्विस का इस्तेमाल किया। उनका जो प्लान था 28x32 में था, जो कि चारों तरफ से ओपन स्पेस था। उनको ग्रामीण लेवल के अकॉर्डिंग घर बनवाना था, तो उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हुए मैंने मॉडल को डिजाइन किया है। पूरा डिटेल के साथ बात करेंगे, तो वीडियो को आपको पूरा देखना होगा। साथ साथ अगर आप हमारे पेड सर्विस का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नंबर हमारा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप हमें कॉल करके वहाँ पर कॉन्टेक्ट करिएगा, सॉरी आप हमें मैसेज करके कॉन्टेक्ट करिएगा। साथ साथ आप हमारे प्लान्स को हमारी वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलो आज का प्लान हम डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों जिस मॉडल में बात कर रहा था, ये पूरा मॉडल होने वाला है, काफी खूबसूरत प्लान होने वाला है। जिनकी रिक्वायरमेंट थी उन्होंने मैं कांटेक्ट किया था और उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इस मॉडल को क्रिएट किया गया है। 28x32 में मॉडल बनाया गया है और इसमें टेक्सचर वगैरह आप देख सकते हैं। यहाँ पर इनका ओपन स्पेस में मकान बना है, तो जहां पर विंडो पॉसिबल हो सकता था वहां पर मैंने विंडो दिया है, आप देख सकते हैं राइट हैंड पे, और बैक साइड भी विंडो सारी दी हुई है, साथ साथ लेफ्ट हैंड में भी विंडो आपको मिलती है। तो काफी खूबसूरत और बेहतरीन प्लान आपके सामने मैं डिस्कस करने वाला हूं। अगर आपको ऐसे प्लान पसंद है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, मैं लगातार ऐसे प्लान बनाऊंगा। साथ साथ ये मॉडल एक ऐसा प्लान होने वाला है जिसमें आपको ईंटों का और पिलर का पूरा डिजाइन बना हुआ है, इसमें कलर कॉम्बिनेशन नहीं है दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो काफी खूबसूरत घर लग रहा होगा अगर आप ये देख रहे होंगे, और जाहिर सी बात खूबसूरत है भी। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसी को हम पूरा। तो बात करते हैं इसके ग्राउंड फ्लोर की। तो जैसे आप ग्राउंड फ्लोर पर आएंगे तो ये देखिएगा मकान का डिजाइन। सबसे पहले आपको एक बारंदा देखने को मिलता है जिसमें साइड से भी मैंने ओपन रखा है, और इसके बाद मेन डोर आपका ये होने वाला है। इधर आपका एक विंडो लगा है, इधर भी विंडो लगा वेंटिलेशन के लिए। जैसे आप स्टेयर से ऊपर जाते हैं तो सबसे पहले एक बारंदा और इसके बाद स्टेयर्स आपको मिल जाती है, देख सकते हैं। स्टेयर से आप चढ़ना स्टार्ट करेंगे, टर्न होकर वापस आएंगे, और इधर भी मैंने एक विंडो दे रखा है। इसके बाद मेन डोर से आप एंट्री करते हैं तो आप आ जाते हैं अपने आंगन में या डाइनिंग हॉल में, जो कि काफी बड़ा बना हुआ है। जस्ट पीछे आपको दो बेडरूम देखने को मिलते हैं, ये दोस्तों आपको किचन देखने को मिलता है, ये बाथरूम देखने को मिलता है। अब देखिएगा जो ये वाला बेडरूम है, इसमें दोस्तों तीन विंडो लगी हुई है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट कम है तो आप विंडो अंदर वाला हटा सकते हैं, क्योंकि साइड से भी देखिए कॉर्नर का प्लॉट है, तो यहाँ दोनों कॉर्नर पर भी विंडो मैंने दिए हैं। जो आपको अगर आपको लगता है तीन विंडो ज्यादा है तो आप एक आध हटा सकते हैं, वो आपकी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। वही बात करें इस वाले कॉर्नर की, तो यहाँ पर दो विंडो आपको देखने को मिलते हैं, देख सकता। और इसके बाद ये आपके दोनों में दरवाजे, ये आपका दोस्तों किचन है, तो अंदर से भी मैंने एक विंडो दिया है डोर के साथ, और साथ साथ साइड से भी आपको किचन में एक विंडो देखने को मिलता है। ये आपका लीड बाथ और बाथरूम पूरा बना हुआ है। इसके बाद फ्रंट में आप देख सकते हैं ये विंडो, ये विंडो, ये आपका डोर जिससे आप एंट्री करेंगे, साथ साथ आंगन में भी एक विंडो दिया है। तो कुल मिलाकर फुली वेंटिलेटेड हाउस है, वेंटिलेशन की यहाँ कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी, चारों तरफ विंडो वगैरह है, और ये आपकी स्टेयर्स बारंदा। तो ये ग्राउंड फ्लोर बनकर रेडी होता है 28x32 में जो उनकी रिक्वायरमेंट थी। बात करते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की। तो जैसे दोस्तों आप फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचेंगे तो ये जो स्टेयर्स वाला गुमटी था इसको मैंने पूरा कवर्ड कर दिया, देख सकते हैं। इसमें विंडो देकर एक दरवाजा लगा दिया जिससे आप बाहर आ पाएंगे। इसके बाद किचन बाथरूम सिमिलर है, और ये कॉर्नर वाला एक बेडरूम मैंने और यहाँ पर क्रिएट कर दिया। ओवरऑल बात बाकी सारी सिमिलरिटी वही वही डोर्स वगैरह विंडो सब कुछ वही लगा है, साइड से भी आप देख सकते हैं विंडो वगैरह। यहाँ पर मैंने किचन का विंडो दोस्तों यहाँ पर भी लगा है, बस ये जो आपका स्टेयर्स था उस पर विंडो नहीं दिया क्योंकि उसकी आवश्यकता नहीं थी। तो ये पूरा मॉडल आपका, और 3.5 फुट का बाउंड्री वॉल दिया है, देख सकते हैं ग्रिल का डिजाइन आप इधर से एल, और इधर आपका पूरा एक ग्रिल बना हुआ है प्रॉपर तरीके से, इधर भी चारों तरफ से। अब दोस्तों लास्ट फ्लोर की बात करें तो ये आपका लास्ट फ्लोर पर चारों तरफ मैंने बाउंड्री वॉल दिया है। अब दोस्तों प्रॉब्लम ये आएगी, ऊपर जाने के लिए आपके पास स्टेयर्स नहीं है। तो देखिए अगर आप स्टेयर्स बनाएंगे दोस्तों फिर से आपको ऊपर गुमटी बनाना होगा, तो ऊपर आप लोहे का जो स्टेयर्स बनती है उसको बनवा करके आप कहीं पर भी इस्तेमाल कर, कहीं पर भी लगा के उसे ऊपर यूज कर सकते हैं। हालांकि मैंने देख सकते हैं वहां पर फ्रंट में ही सिर्फ ग्रिल दिया है, बाद बाकी सारा ईंटों का ग्रिल है, और ये इधर छोटा सा ग्रिल लगा हुआ है। तो ये एक बेहतरीन सा प्लान जो मैं आपको डिस्क्राइब करने वाला था, काफी खूबसूरत प्लान है। तो इस मॉडल का अगर 2D डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करें, या इसका
हमारी पेड सर्विस का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर पर जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों आज का मॉडल आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आप किसी भी प्रकार के घर के नक्शे बनवाना चाहते हैं, घर का कॉस्ट फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे प्ले स्टोर पर अवेलेबल स्मॉल हाउस प्लान एप्लीकेशन को डाउनलोड करिएगा। वहाँ पर ए टू जेड जानकारी आपको मिल जाएगी कि घर में मटेरियल कितना लगेगा, कॉस्ट कितनी आपको लगानी पड़ेगी, सारा डिटेल वहाँ पर अवेलेबल है। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।